हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 21,296। मतलब कि कौन सा सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल, मतलब कितना प्रिंसिपल जो है अमाउंट हो जाएगा, मतलब बढ़ करके हो जाएगा इतना, कितने पे, 3 साल पे 10% पर एनम के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली, ऐसे बोला है। तो मतलब कि ये अमाउंट दे दिया और ये टाइम दे दिया है यहाँ पे और यहाँ पर रेट दे दिया, आपको पी नहीं दिया है, यही आपको बताना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो लेट लेट दी सम ऑफ मनी बी पी, पी मान लीजिए, तो लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है कि ए बराबर पी वन प्लस आर अपन 100 होल टू द पावर एन। तो यहाँ पर अमाउंट रख देंगे पहले 21,296 इक्वल टू पी, तो पी ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस आर जो है आपका कितना है, 10% है, 10/100 इंटू एन मतलब 3 ईयर्स, यहाँ से 0,0 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा इतना, तो यहाँ से मिल जाएगा 21,296 इक्वल टू पी, और यहाँ हो जाएगा 11/10 का होल क्यूब। अब यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी बराबर क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट 21,296 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 होल अपन 11 इंटू 11 इंटू 11, यही करेंगे, 11 से कटा दीजिए तो 11 में 11 एक ही बार जाएगा, कितना बचा, 10 बचा, 102 हो गया, 11 99, 3 बचा 39 हो गया, 11 3 33, 6 बटा 11 66, इतना आ गया, फिर 11 से कटेगा ये, तो 11 कमे 11 कितना बचा, 11 कमे 11 कितना बचा, 8, ओके 83 हो गया, 77, 3 3 6 11 6 66, ठीक है, फिर 11 से कट जाएगा, 11 कमे 11 11 6 66, तो ये मतलब आ जाएगा फाइनली 16 बचा है केवल कटने पर, और ये जो 000 बचा है वो बचा है, तो हमारा प्रिंसिपल आ गया इतना 16,000 रुपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।